इन्हें ऑब्जर्व तभी से किया जा रहा था जब, अगर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जब जो बाइडेन ने कहा था कि मैं आपका फैन हूं, क्या मैं आपका ऑटोग्राफ ले सकता हूं, मुझे लगता है तब भी ये सुर्खियां बनी थी। लेकिन आज जो ये तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरीके से वेलकम किया जा रहा है, देयर इज अ डीप मीनिंग, और जिस तरीके से इन्हें रीड किया जाता है, क्या आपको लगता है कि यही वजह है कि अब चाइना बार बार रिएक्ट करने लगा है? देखिए, चाइना तो हमेशा जो है भारत और अमेरिका के करीबी रिश्तों के बारे में बहुत जेलस रहा है। चाइना नहीं चाहता कि भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ इम्प्रूव हो। वो चाहता है कि भारत जो है एक कमजोर देश रहे जिसको वो हमेशा दबा सके। तो ये चाइना की स्ट्रेटेजी शुरू से रही है, और इसी को देखते हुए जो है वो बहुत अपसेट है कि अमेरिका जो है भारत को इतनी अटेंशन दे रहा है, और अमेरिका जो है वो भारत की इकोनॉमी को, भारत की जो टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री रिसीलियंस है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतनी सब मेहनत कर रहा है, तो चाइना तो बहुत अपसेट है। जी योगेश जी, आप हमारे साथ बने। रोहित, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आप सर, आप ये बताइए, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, देखिए गिफ्ट तो दोनों तरफ से दिए गए, लेकिन जो भारत की तरफ से प्रेजेंट किए गए वो ज्यादा थॉटफुल थे और एक एज मिलती नजर आ रही है। क्या अब जो इसके बाद आगे डिप्लोमेटिक प्रोसेस होगा उसमें भी आपको लग रहा है कि एक एज मिलती हुई नजर आएगी भारत को? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे जो कॉन्वर्सेशंस हुए हैं यहाँ पे, जितने भी लीडर्स हैं, बैकग्राउंड हो, ऑन द रिकॉर्ड हो, ऑफ द रिकॉर्ड हो, देखिए हर कोई बार बार यही कह रहा है कि इट्स अ मोर ऑफ अ विन सिचुएशन फॉर इंडिया, क्योंकि आज अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। देखिए, ऐसी कोई भी और कंट्री नहीं है जहाँ पे जी के फाइटर जेट के इंजन्स को मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े एलाइज हैं यूएस के, लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं है। हमारे पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, हम टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करेंगे, हम अमेरिका के लिए चीज़ें बनाएंगे जो इनके डिफेंस में यूज़ होगी। तो ये कहीं ना कहीं, देखिए आप अगर से एक बहुत मैक्रो लेवल पे भी नहीं, अगर छोटे से सिंपल लैंग्वेज लेवल पे देखें, तो ये जॉब क्रिएशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, को मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और लर्निंग हो रही है स्किल्स की, नई स्किल्स की। आज जो प्रधानमंत्री मोदी स्किलिंग इवेंट में भी गए थे, डॉक्टर जिल बाइडेन जो फर्स्ट लेडी है उनके साथ, तो मुझे लगता है कि एडवांटेज इंडिया डेफिनेटली है। और ये रेड कार्पेट खोला गया है भारत के लिए, नॉट ओनली सिम्बॉलिक टर्म्स में, बट टू एंश्योर कि भारत जो है अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिका के एडवांसमेंट का फायदा ले सके अपने खुद के प्रोग्रेस के लिए। और हम भी इसे एम्ब्रेस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट ग्लोबल लीडर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इट इज एडवांटेज इंडिया फॉर नाउ, फॉर एब्सोल्युटली श्योर। लेकिन नोइंग अमेरिका, उनके भी इंटरेस्ट हैं, और वो श्योर मेक श्योर करेंगे कि उनके इंटरेस्ट भी सर्व हो, जो है पीस इंडो पैसिफिक में नंबर वन, नंबर टू मेकिंग श्योर की सप्लाई, जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो इंटरप्ट ना हो, जैसे हमने कोविड के समय पे देखा था, एंड थर्ड इज डीकपलिंग विद चाइना। चाइना में जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज इतने सारे यूनिट्स लगा के बैठी है, कि दे हैव लर्नड देयर लेसन एंड दे वांट टू डाइवर्सिफाई। हाथ से चर्चा करने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ मिनट टू मिनट डिटेल्स बल्कि मिनट टू मिनट इनपुट जो है, उस लिहाज से ये समझने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर किस स्तर पर ये साझेदारी, ये सहयोग आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस वक्त मैं एक बार फिर से उन्हीं तस्वीरों का रुख करना चाहूंगी जो इस वक्त की तस्वीर है, ताजा तस्वीरें हैं, और टीवी 9 भारतवर्ष लगातार व्हाइट हाउस के अंदर की वो तस्वीरें दिखा रहा है जहां अभी फिलहाल चर्चा की जा रही है और सुर्खियां बने हुए हैं। वो खास तोहफे चंदन के बॉक्स में, आखिर ये क्या क्या है जो बाइडेन को प्रधानमंत्री के ये जो स्पेशल गिफ्ट है, और हमारे सहयोगी जो बार बार कह रहे हैं ये जो थॉटफुल गिफ्ट दिए गए हैं उसमें एज भारत की है, और भारत की इस बात को लेकर बहुत तारीफ वहां पर भी की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये वो खास तोहफे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद न सिर्फ बाइडेन परिवार को इन गिफ्ट्स की अहमियत बताई है, लेकिन इन गिफ्ट्स के जरिए कैसे पूरे भारत को समेटते हुए हम इस बक्से में देख रहे हैं, उसमें भारत की सांस्कृतिक झलक, उसके उपनिषद को लेकर की गई, उसके प्रिंसिपल्स, द 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद की वो जो किताब दी गई, जिस तरीके से खोलते हुए खास पन्ने के बारे में पढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन को नजर आए, वो खास तस्वीरें, और ये वो खास बॉक्स जिसमें गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ दिया, और 10 वो खास चीजें जहां भारत समेटे हुए नजर आ रहा है। और देखिए सुरभि, जिसका आपने जिक्र किया, जो चंदन के बॉक्स में ये 10 तोहफे हैं, क्या फटाफट आपको बता दें, इसमें है पंजाब का घी है, इसमें
में राजस्थानी कारीगरी वाला 24 कैरेट सोने का सिक्का है, इसमें 99.5% कैरेट चांदी का सिक्का है, इसमें महाराष्ट्र का गुड़ है तो उत्तराखंड का चावल है, तमिलनाडु का सफेद तिल है तो कर्नाटक के मैसूर का चंदन है, पश्चिम बंगाल के कारीगरों का बनाया चांदी का नारियल है तो गुजरात का नमक है, दीपक के साथ भगवान गणेश की मूर्ति है। ये जो चंदन का बॉक्स इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और इसके अंदर जो 10 तोहफे हैं ये हमने आपको डिटेल्स बताई है।